हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की कृतिका वन का पहला पार्ट इस जल प्रलय में, जो आपके कोर्स में सिलेबस में है। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रिम। तो बच्चों, ये पार्ट है रिपोर्टाज विधा। ये एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? जब नोटिस राइटिंग जैसे आपने पढ़ा होगा, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा होगा, उसी तरह से हिंदी में रिपोर्ट को रिपोर्टाज कहते हैं। जैसे कहीं का आंखों देखा हाल लिखा हुआ हो, रिपोर्ट के तरह से लिखना रिपोर्टाज कहलाता है। ये एक विधा है लेखन की। तो इसमें रेणु जी ने इसको रिपोर्टाज विधा में लिखा है। यहाँ पर पढ़ते हैं रेणु जी के बारे में, जिसके लेखक इस जल प्रलय में एक रिपोर्टाज है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इस रिपोर्टाज में उन्होंने सन 1975 में पटना में आई भयंकर बाढ़ का आंखों देखा हाल बयान किया है। रिपोर्टाज की शुरुआत लेखक ने कुछ इस तरह से की है। अभी ये यहाँ पर पटना में एक बार बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उसका वर्णन इन्होंने यहाँ पर। सावन और भादो यानी जुलाई और अगस्त का महीना के महीने में, जब पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदी में बाढ़ आती है, तो वहाँ के लोग व जानवर लेखक के गाँव व उसके आसपास के क्षेत्रों में शरण लेने लगते हैं। क्योंकि लेखक का गांव जिस क्षेत्र में पड़ता है, वहां की जमीन विशाल और परती है। अभी जहां लेखक रहते थे, उसकी जमीन वहां की गांव की कैसी थी? विशाल यानी बड़ा इलाका था, और जमीन कैसी थी? परती पड़ी। परती मतलब सूखी जमीन थी। तो वहां पर लोग आ जाते थे, और कहां से आ जाते थे? जहां पर ये नदियां बहती थी। कौन कौन सी? कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदी। और इन नदियों में बाढ़ आती है अधिकतर, क्योंकि ये बरसाती नदियां भी हैं। बारिश में हमेशा इनमें बहुत अच्छा पानी आता है, और जब पानी का स्तर ऊंचा हो जाता है तो बाढ़ हो जाती है। तो वहां से लोग पनाह लेने के लिए डर करके, भाग करके बाढ़ से इनके गांव में आ जाते थे, और इनके गांव में पनाह ले लेते थे, शरण ले लेते। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक को तैरना भी नहीं आता था। परती मतलब जहाँ पर पानी ज्यादा ना हो, अधिकतर सूखा रहता था। तो क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में थे जहाँ नदियां तालाब नहीं थे, तो इनको तैरना नहीं आता, क्योंकि इस तरह के क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम होती है। परती वह भूमि होती है जो एकदम बंजर नहीं होती, मगर इस तरह की जमीन को एक साल खेती करने के बाद 2-3 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। अभी जो परती जमीन होती है, उसमें क्या होता है, मिट्टी बहुत ज्यादा उर्वरक नहीं होती, बहुत फर्टाइल नहीं होती। उसमें एक बार खेती करते हैं, फिर फसल को काट करके उसकी सारी फसल को उसी मिट्टी में जला दिया जाता है, उसकी राख को वहां छोड़ दिया जाता है, और 1-2 साल के लिए जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर 2 साल बाद, 3रे साल या 4थे साल, उसमें फिर से फसल बोई जाती है, उसको परती जमीन कहते हैं। तो ये, और वहां पे पानी की मात्रा कम होती है, तो इसीलिए, क्योंकि पानी आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं थी, तो इनको तैरना नहीं आता था लेखक को। लेखक कहते हैं कि वो 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वयं सेवक या रिलीफ वर्कर्स के रूप में कार्य करते आ रहे हैं, और लेखक ने 10वीं क्लास में बाढ़ पर एक लेख लिखकर पहला पुरस्कार भी हासिल किया। इसके अलावा प्रतिष्ठित धर्म गुरु मैगजीन के कथा दशक कालम के अंतर्गत बाढ़ से संबंधित उनकी एक कहानी भी छपी थी। अभी लेखक क्या बता रहे हैं कि 10 वर्ष की उम्र से ही वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करते थे। बाढ़ से पीड़ित लोग इनके गांव में आ जाते थे, तो ये उनकी सेवा करने या मदद करने का काम किया करते थे। जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक बाढ़ पर एक कोई निबंध लिखा, कोई लेख लिखा, जिसमें उनको पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्होंने एक प्रतिष्ठित धर्मयुग मैगजीन थी, जब हम लोग बच्चे छोटे थे तब धर्मयुग नाम की एक मैगजीन आती थी, बहुत बड़े साइज की हुआ करती थी, अखबार के जस्ते साइज की, उसमें बहुत अच्छी कहानियां निकलती थी, धारावाहिक निकलते थे। तो धर्मयुग मैगजीन में और कथा दशक के कॉलम में के अंतर्गत बाढ़ के संबंधित उन्होंने कहानी भी लिखी थी, वो भी उनकी कहानी उसमें छपी थी। तो यानी बाढ़ से इनका पुराना बचपन का रिश्ता है। उन्होंने बाढ़ पर 1947 में जय गंगा, 48 में डायन कोसी और 1948 में हड्डियों का पुल रिपोर्टाज लिखे। अब इन्होंने 3 रिपोर्टाज भी लिखे थे 1947 और 48 में, जय गंगा, डायन कोसी और हड्डियों का पुल, ये इनके 3 रिपोर्टाज थे। इसके अलावा उन्होंने अपने कई उपन्यासों में भी बाढ़ की विनाश लीला के बारे में लिखा है। अभी बाढ़ की विनाश लीला, जिस समय बाढ़ आती है उस समय पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो जाते हैं, विनाश, सब तरफ विनाश हो जाता है, पता नहीं कितने लोग बेघर हो जाते हैं, मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, तो ऐसी लीलाओं के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। लेखक जब अपने गांव में रहते, तो उन्होंने बाढ़ के बारे में सुना जरूर था, मगर कभी उसे झेला नहीं था। अब क्योंकि ये तो परती गांव में रहते थे, वहां की जमीन परती थी, तो वहां तो बाढ़ आती नहीं थी, तो इन्होंने सब कुछ सुन करके ही लिखा था, कभी बाढ़ को प्रत्यक्ष झेला नहीं था। लेकिन 1900
1967 में पटना शहर में आई बाढ़ की विभीषिका को उन्होंने पहली बार खुद अपनी आंखों से देखा और झेला भी था। अब जब ये पटना में रह रहे थे तो वो समय था 1967 का, उस समय इन्होंने बाढ़ की विभीषिका मतलब वो विनाश लीला जो थी वो उसको पहली बार आंखों से देखा और झेला था। जब 18 घंटे तक लगातार जोरदार बारिश हुई और पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्से में घुसाया। अभी वहां पे जो नदी है पुनपुन नदी, उसका उसमें बाढ़ आई, पानी आया और ये पानी अंदर राजेंद्र नगर और कंकड़बाग आदि हिस्से में आ गया। निचला हिस्सा जो लोअर लेवल की जगह थी वहां पर पानी, नदी का पानी वहां तक आ गया था। इसलिए इस बार सन 1975 में जब बाढ़ का पानी शहर में आने लगा और पटना का पश्चिमी भाग छाती पर पानी में डूबने लगा तो लेखक अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा कर बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब जब बच्चों इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है और हम अगर पहले से पता लग जाता है, जैसे साइक्लोन आता है या बाढ़ आने वाली होती है, तो हमें अंदाजा पहले पता लग जाता है। आजकल साइंस इतनी डेवलप है कि हमें पहले से पता लग जाता है। तो उस समय लोग उस आपदा से निपटने के लिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं। वो क्या तैयारियां थी? ये आलू, मोमबत्ती, ईंधन ले आना, ईंधन घर में जमा कर लेना, आलू प्याज ले आना, मोमबत्ती ला के रख लेना, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो कैसे रहेंगे अंधेरे में, तो मोमबत्ती रख लेना, दिया सलाई रख लेना यानी मैच बॉक्स, पीने के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, कंपोज की गोलियां मतलब कुछ दवाएं वगैरह भी अपनी जमा कर लेते हैं, और बाढ़ आए इससे पहले लोग अपने घर में सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। अगली सुबह लेखक को पता चला कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक बाढ़ का पानी आ चुका है। अब बाढ़ का पानी नीचे हिस्से से आना शुरू हुआ और मुख्यमंत्री निवास और राजभवन तक वो पानी आ चुका है। और दोपहर में उन्हें किसी ने बंगला भाषा में बताया कि गोल घर तक बाढ़ आ चुकी है। अभी गोल घर वहां का जो इलाका है, मेन इलाका, वहां तक भी बाढ़ का पानी आ चुका था, ये इनको दोपहर में किसी ने बताया। और शाम को 5 बजे तक कॉफी हाउस भी बाढ़ के पानी में डूब चुका था। अभी कॉफी हाउस वहां की बड़ा फेमस शॉप है पटना की, तो वहां तक भी पानी आ चुका था, जिसकी खबर लेखक को एक रिक्शे वाले ने दी। और ये खबर किसने दी उनको? एक रिक्शे वाले ने उनको ये खबर दे दी। लेखक भी कॉफी हाउस जाने के लिए अपने कवि मित्र के साथ घर से निकले। अब इन्होंने सोचा चलो कॉफी हाउस तक जाते हैं और जाकर के देख के आते हैं, तो अपने एक मित्र के साथ ये वहां से निकले। ये कवि मित्र लेखक की ऊटपटांग बातों से कभी बोर नहीं होते थे, और जो ये मित्र थे ये लेखक की बातों से कभी बोर नहीं होते थे, ये बड़े अच्छे मित्र थे। अन्य लोग भी बाढ़ देखने के लिए रिक्शे, तांगे, टमटम, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि वाहनों से जा रहे थे। रास्ते में बाढ़ देखने जाने और आने वाले लोग सिर्फ बाढ़ से संबंधित बातें ही कर रहे थे। तभी लेखक कॉफी हाउस पहुंच गए, जो बंद कर दिया गया था। अभी सब लोग जो थे वो रिक्शे, तांगे, साइकिल पर सवार होकर बाढ़ देखने जा रहे थे और सब लोग बाढ़ की बातें कर रहे थे। लेखक ने सड़क किनारे आए पानी को देखकर अपने कवि मित्र को बताया, देखो मृत्यु का तरल दूत, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, ये मृत्यु का तरल दूत, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया? बाढ़ के पानी को कहा गया। मृत्यु का तरल दूत, तरल मतलब गीला, लिक्विड, दूत मतलब कोई उसका एम्बेसडर, यानी ये जो पानी है ये वो क्या लेकर आ रहा है? मौत लेकर आ रहा है, अपने साथ साथ मौत का संदेश लेकर आता हुआ पानी, उसको इन्होंने क्या उपमा दी? मृत्यु का तरल दूत, यानी बाढ़ का पानी यहाँ तक आ पहुंचा, अब हम आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं बस अब हम आगे नहीं जाएंगे। लेखक डर गए और रिक्शे से गांधी मैदान की ओर चल पड़े। अब ये रिक्शे से उतर करके दूसरी तरफ को चल पड़े। उन्होंने बोला अब आगे नहीं जाएंगे। लेखक कहते हैं कि गांधी मैदान में दशहरा के दिन राम रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग इंतजार में खड़े रहते हैं उतने ही आज वहां बाढ़ देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। अभी गांधी मैदान पटना का बहुत बड़ा मैदान है जहां पर रामलीला हुआ करती है दशहरे में, तो वहां रामलीला के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आज भी उतने ही लोग वहां खड़े थे, क्या करने के लिए? बाढ़ का दृश्य देखने के। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की, पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। आकाशवाणी से यानी रेडियो पर प्रसारण हुआ कि यहां तक पानी जो है वो आ पहुंचा है। हालांकि पान की दुकानों पर खड़े होकर हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे। अभी आपने ऐसा देखा होगा कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो घरों से निकल के लोग जो है वो किनारे नुक्कड़ों पर इकट्ठे हो जाते हैं और पान की दुकानों पर खड़े होकर चर्चा करते हैं, तो वहां पे लोग आराम से निश्चिंत होकर पान खा रहे थे और बाढ़ के बारे में बातचीत कर रहे थे।
और कुछ दुकानदार अपना सामान टेम्पो टमटम आदि में लाद रहे थे, और कुछ जो दुकान वाले थे वो अपना सामान टेम्पो एम्पो में लाद करके वो घर की तरफ रवाना हो रहे थे। परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरे पर डर और उदासी का भाव था, लेकिन ये और इनके मित्र दोनों लोग डरे हुए थे और उदास थे कि पता नहीं बाढ़ आएगी तो क्या होगा, हम जियेंगे या मर जाएंगे, कुछ मालूम नहीं। लेखक जब राजेंद्र नगर चौराहे पहुंचे, जहां एक मैगजीन कॉर्नर पर पहले की जैसी ही पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी, वहां से लेखक ने कुछ पत्रिकाएं खरीदी और अपने कवि मित्र से विदा लेकर अपने घर आ गए। अब ये किसी मैगजीन कॉर्नर पर गए, वहां से कुछ पुस्तकें खरीद के अपने मेहमान बहलाने के लिए कुछ पुस्तकें खरीदी और वापस आ गए। घर पहुंचने पर उन्होंने जनसंपर्क विभाग की गाड़ी के लाउड स्पीकर पर बाढ़ से संबंधित चेतावनी सुनाई दे रही थी, जिसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा था। सारा शहर जाग रहा था। देर तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें घटनाएं ताजा हो गई। अब ये घर आ गए, तभी इनको जनसंपर्क की गाड़ी सुनाई दी, उसके लाउड स्पीकर की। जनसंपर्क जो जनता के हित में जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो गाड़ियों में बैठ करके माइक लगा के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जाता है कि सभी लोग अलर्ट हो जाए, उनको चेतावनी दी जा रही है कि पानी यहाँ तक आ गया है, बाढ़ का पानी गोल घर तक आ गया है, अब आकाशवाणी के वहाँ तक पहुँच गया है, तो सभी लोग अपना सामान इकट्ठा कर लें और असुरक्षित स्थानों पर ऊपर पहुँच जाएं, थोड़ी हाइट पर खड़े पहुँच जाएं। तो इस तरह के चेतावनी इनको सुनाई दी। सारा शहर जाग रहा था डर के मारे, ये भी सोना चाहते थे लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तो इनके दिमाग में पुरानी बातें कुछ इनके दिमाग में घूमने लगी, वो क्या थी? सबसे पहले उन्हें सन 1947 में मनिहारी जिले में आई बाढ़ याद आई, जब वो अपने गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुरी जी के साथ नाव से गंगा नदी की आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पकाई घाव की दवा, पानी में लगातार पैर रहने के पैरों में घाव बन जाते हैं जो कभी कभी पकने लगते हैं, जिन्हें पकाही घाव कहते हैं, केरोसिन तेल दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने पहुंचे थे। अभी इनको 1947 में मनिहारी जिले में आई बाढ़ याद आ गई कि अपने गुरुजी के साथ ये दवा सामान लेके और पकाही घाव की दवा, पकाही घाव पानी में जब बाढ़ में लोग बहुत देर तक उनका शरीर रहता है तो पैरों में घाव हो जाते हैं, उस पर कोई दवा लगाई जाती, मलहम लगाया जाता है, तो वो लेकर के और बाकी सामान लोगों की मदद का लेके वो वहाँ अपने गुरु के साथ गए थे। ये इनको घटना याद आ गई। दूसरी घटना क्या याद आई कि 1949 में महानंदा नदी की में आई बाढ़ ने भी कहर बरपाया था। महानंदा की बाढ़ का याद आया इनको कि लेखक एक बार डॉक्टर साहब के साथ वापसी थाना के एक गाँव से बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। कुत्ते को देखकर डॉक्टर साहब डर गए। बाद में कुत्ता व नौजवान दोनों नाव से उतर गए। अभी उनको किसी घटना याद है कि महानंदा नदी में जब बाढ़ आई थी तो डॉक्टर किसी बीमार को लेकर जा रहे थे, तो बीमार के साथ साथ उसका कुत्ता भी नाव में चढ़ गया और फिर जब वो उतरा तभी वो उसके साथ साथ उतर गया। तो यहाँ पर इस घटना से पता चलता है कि जानवर अपने मालिक से कितना प्रेम करता है, कि चाहे बाढ़ आ जाए चाहे कोई आपदा आ जाए वो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। तीसरी घटना, लेखक आगे कहते हैं कि वो परमान नदी के बाढ़ में फंसे मुसहरों की बस्ती, पत्तों से दोने बनाने वाले लोग भी में भी राहत बांटने पहुंचे, जो कई दिनों से मछली और चूहे भूनकर खा रहे थे। जब वो अपने साथियों के साथ उस बस्ती में पहुंचे तो देखा कि वहां एक ऊंचे मचान पर बलवाही नाच हो रहा है और एक काला सा आदमी लाल साड़ी में दुल्हन की एक्टिंग कर लोगों को हंसा रहा है। अभी ये कहां पहुंचे, परमान नदी की बाढ़ जब आई तो उनको वो याद आ गया कि मुसहरों की बस्ती, वो एक जात होती है जो पेड़ के पत्ते तोड़कर उसके दोने बनाती है, जिसमें हम लोग जामुन और ये बेलपुरी और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो वो उनकी बस्ती थी और बाढ़ की वजह से लोगों के पास खाने को अन्न तक नहीं था, वो वहाँ पर चूहे और मछलियाँ भून करके खा रहे थे। तो उस नदी वहाँ पर पहुँचे और लोगों की मदद करी इन्होंने। तो वहाँ देखा उन्होंने ऊपर मचान पर एक बलवाही नृत्य हो रहा था, बलवाही नृत्य जिसमें आदमी औरतों का वेश धारण करके नृत्य करते हैं और लोगों को बड़ा आनंद आता है, हंसते हैं लोग उसमें, तो वो उनको याद आ गया। लेखक मुसहरों की बस्ती में राहत सामग्री बांटकर वापस आ रहे थे तो उन्हें उनके परम मित्र भोला शास्त्री की याद आ गई। अभी उनको अपने मित्र की याद आई भोला शास्त्री। लेखक के यहाँ पर दो और घटनाएं भी याद आ गई। अभी और भी दो घटनाएं याद आई, क्या थी वो? 1937 की, जब सिमरवनी शकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई। अभी उनको शकरपुर की याद आ गई कि बाढ़ के समय लोगों में लड़ाई हो गई। लेखक उस समय स्काउट बॉय थे, गांव में नाव नहीं थी, इसलिए लोग केले के पेड़ से नाव बनाकर काम चला रहे थे। अभी नाव भी नहीं होती, अब कितनी नाव आएंगी, बाढ़ आ गई, लोगों को इधर से उधर जाना है, तो केले के पत्ते की नाव बना करके उसमें बैठ जाते थे।
उसको भेला कहते थे। लेकिन जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला लेकर जलविहार करने में मस्त थे। इससे नाराज गांव के नौजवानों ने मिलकर जमींदार के बेटे की नाव छीन ली और उसके साथ थोड़ी मारपीट भी करी। अब जो गांव का जमींदार होगा उसके पास अपनी नाव होगी, तो उनके लड़के तो नाव में हारमोनियम तबला लेके मजा कर रहे थे, वो जो बाढ़ के पानी में घूमते फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी सामान नहीं था, तो लोगों ने उनसे मारपीट करी और उनकी नाव को छीन लिया। ये इनको शकरपीर की गांव का बाढ़ का इनको दृश्य याद आ गया। दूसरी घटना लेखक को तब की याद है जब 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया और नाव पर कुछ नौजवान लड़के लड़कियों की टोली स्टोव केतली बिस्किट लेकर किसी फिल्मी सीन की तरह कश्मीर का आनंद लेने निकल पड़े। अभी जो मनचले युवक युवतियां होते हैं उनको बाढ़ आया कि कुछ आए, नाव ली, कुछ खाने पीने का सामान, वो पिकनिक मनाने चल दिए। तब भी इनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि कुछ लोग तो मर रहे हैं, जिनकी जान जा रही है, बीमार हो रहे हैं, लोग उनकी मदद नहीं कर रहे, कुछ लोग अपना आनंद लेने निकल जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं इनको याद आ रही थी। उनके ट्रांजिस्टर में हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था, वो जो लड़की लड़कियां, तो उन्होंने ट्रांजिस्टर में गाना बजा रखा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पर पहुंची तो ब्लॉक की छत पर खड़े लड़कों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया और वे शर्मिंदा होकर वहां से भाग गए। लोगों ने उनका मजाक बनाया कि कैसे तुम लोग हो कि लोग यहाँ मर रहे हो तुम नाच गाना कर रहे हो, तो फिर वो शर्मिंदा होकर के वहां से लौट आए। इसके बाद लेखक अपनी पुरानी यादों से बाहर वर्तमान समय में आ चुके थे। अब ये सब उन्होंने पुरानी घटनाएं याद करी और फिर अचानक वो वापस लौट के आए यथार्थ में, वास्तविकता में, और उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। रात का 2:30 बज चुका था, 2:30, पर बाढ़ का पानी अभी तक शहर में नहीं पहुंचा था। अभी शहर में पानी नहीं आया था। लेखक को लगा शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया हो जिस वजह से पानी शहर तक नहीं पहुंचा है। अब इनके मन में शायद भरोसा आया कि शायद जो इंजीनियर्स थे उन्होंने तटबंध यानी बॉर्डर को, नदी के पानी के जो किनारा है उसको सील कर दिया होगा और पानी अब शहर में नहीं आएगा। इसके थोड़ी देर बाद लेखक को नींद आ गई और फिर लेखक को नींद आ गई। इसके बाद 5:30 बजे लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी पूरे मोहल्ले में फैल चुका था, चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। ये 2:30 बजे ये सब सोच करके और निश्चिंत सो गए। सुबह 5:30 बजे इनकी आंख खुली, लोगों ने जगाया तो सब तरफ हल्ला गुल्ला मच रहा था, पानी जो था वो इनके मोहल्ले तक पहुंच गया। अब ये बुरी तरह डर गए, हर जगह पानी की लहरें नृत्य करते हुए दिखाई दे रही थी, यानी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं बाढ़ के दृश्य तो बचपन से देखता आ रहा हूं लेकिन इस बार के जैसे बाढ़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये हमेशा बचपन से बाढ़ के समय लोगों की मदद करने आसपास के गांव में जाया करते थे, इन्होंने बाढ़ का दृश्य देखा है लेकिन आज का दृश्य इन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इनके अपने मोहल्ले तक पानी आ गया था, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लेखक कहते हैं उस वक्त ना मेरे पास मूवी कैमरा है, ना टेप रिकॉर्डर नहीं है, ना ही मेरे पास कलम था, लेकिन अच्छा है मेरे पास कुछ नहीं था। इन्होंने अपने मन में सोचा कि आज मेरे पास कैमरा होता तो शायद मैं फोटो खींचता, टेप रिकॉर्ड होता तो मैं आवाजें टेप कर लेता, पेन होता तो मैं कुछ लिख लेता क्योंकि ये तो लेखक थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अच्छा है मेरे पास आज कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दर्दनाक दृश्य था, ये जो भयावह दृश्य था, अच्छा है मैं इसको किसी भी तरह कागज पर नहीं लिख सकता क्योंकि इसको रिकॉर्ड करना शायद मैं ना कर पाता, शायद इसको रिकॉर्ड करना मेरे लिए संभव नहीं होता, तो अच्छा है ना मेरे पास टेप रिकॉर्डर है, ना मेरे पास कैमरा है और ना ही मेरे पास कलम है। तो जब कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है उस समय अपने आप को संतुलन में रख पाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग न्यूज़ पर खबरों में सुनते हैं यहाँ बाढ़ आ गई, इतने मर गए, इधर एक्सीडेंट, उतने घायल, उतने मरे, थोड़े दिन हाय करके रह जाते हैं और बच्चों हम फिर भूल जाते हैं, लेकिन जिसने ये आपदा झेली होती है उसको असली दर्द का पता होता है। तो हम सबको अपनी मानवीयता रखते हुए ऐसे लोगों से सहानुभूति होनी चाहिए और अगर हो सके तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, यही इस पाठ का उद्देश्य है। बच्चों आज पाठ का सारांश यहाँ पर समाप्त होता है, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसमें जो मुख्य घटनाएं हैं, जो उनकी यादें हैं पीछे की, उनको आपको नाम के साथ थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा तभी आप प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के। तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए।